मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन कांग्रेस विधायक पांचीलाल मेड़ा भावुक हो गए। उन्होंने प्रदेश सरकार पर आदिवासियों की उपेक्षा का आरोप लगाया। वहीं पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने शिवराज सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आदिवासियों की साल 2023 में मिली हार का भाजपा सरकार बदला लेना चाहती है। वहीं कुणाल चौधरी ने जमकर हमला बोला। देश की विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के खरीदे हुए जनादेश की सरकार में अपना जो मूल स्वभाव है उसे खोती जा रही है, जिसे कहेंगे कि जो सरकार का काम है कि सदन चले। लोकतंत्र के इस मंदिर में हम सब लोग सदन से चुन के इसलिए आते हैं कि जनता के मूल मुद्दों को उठा पाए, उनके जवाब तलब कर पाए। और जो भय, भूख और भ्रष्टाचार, जो एक बड़ा गठजोड़ जिसमें कई बड़े नेता, कई बड़े अफसर और कई माफिया तंत्र मिलके उस गठजोड़ को चलाते हैं, उनका पर्दाफाश करके कैसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से जनता के बीच में जाके कैसे जनता के जीवन को सुगम बनाए। पर लगातार मध्य प्रदेश की विधानसभा में देखने को आ रहा है कि सरकार चाहती नहीं है कि कोई भी लोकतांत्रिक मूल्यों के सवालों के जवाब मध्य प्रदेश की विधानसभा के अंदर मिले। कई समय से लगातार सवाल लगाता हूं। आज मेरे 5 सवाल विधानसभा की बुकलेट में छपे हैं, 5ों में एक और लगभग सारे मेरी विधानसभा से जुड़े हुए मुद्दे हैं कि भैया आपने किसान का कब कब गेहूं खरीदा, कब कब पैसा दिया। एक साल बाद भी का से डा तक जानकारी एकत्रित करी जा रही है। दूसरा मेरा सवाल आता है कि खाद्य मंत्री बताएंगे कि काला पीपल विधानसभा में किस किस सोसाइटी और एजेंसियों ने खरीदा, तो का से घा तक जानकारी एकत्रित करी जा रही है। तीसरा फिर एक सवाल पूछता हूं तो उसमें का से घा तक जानकारी एकत्रित करी जा रही है। चौथा एक सवाल फिर पूछता हूं जल संसाधन विभाग का, तो का से डा तक जानकारी एकत्रित करी जा रही है। उसके बाद एक और सवाल पूछता हूं तो उसके अंदर भी जानकारी एकत्रित करी जा रही है। क्या लोकतंत्र के लिए हम इसलिए आते हैं कि जानकारी सिर्फ एकत्रित करी जाए? और यह सत्र जो कम से कम 2 महीने पहले लगना था, इसके सवाल उस सत्र के पहले लग चुके थे। आज 4 महीने के अंदर एक विधानसभा के आंकड़े जिसमें यह पूछा गया कि आपने गेहूं कब कब खरीदा, किस किस को कितना पेमेंट करा, और सिर्फ एक विधानसभा का पूछा, उसके बावजूद भी कैसे लूट सके तो लूट योजना है। इसका कारण है क्योंकि मुख्यमंत्री ने सीधे लिख के दिया था कि 7 दिन के भीतर के अंदर हर किसान को गेहूं का पेमेंट करेंगे। मैं चुनौती देता हूं पूरी सरकार को और मुख्यमंत्री से लेकर कृषि मंत्री तक को कि मध्य प्रदेश में अगर एक किसान बता दे जिसका 7 दिन के अंदर जो किसानों ने गेहूं बेचा था उसका पेमेंट हो गया, 2-2 महीने, 4-4 महीने, 6-6 महीने, लाखों किसान आज भी है जिनका पेमेंट अभी भी अटका हुआ है और कहीं ना कहीं सरकार उससे बचने के लिए आंकड़े छुपाती है। खाद की कालाबाजारी पर उठाओ तो आप ये, और सबसे महत्वपूर्ण बात, कल मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल जो टेक होम राशन पे जो एक बड़ा भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 20 से 40 हजार करोड़ का जो भ्रष्टाचार जो टेक होम के नाम से और बालिकाओं के नाम से हुआ, मैं आग्रह करूंगा क्योंकि सदन के अंदर सरकार सुनना नहीं चाहती, मैं लोकतंत्र के माध्यम से आग्रह करूंगा कि अगर ये जो आंकड़े दिए हैं मेरी विधानसभा के, एक तो 3 बार मेरे सवाल लगाए, 3 बार आंकड़ों को बदल दिया गया, एक बार 800 बताया गया, एक बार 1300 बताया गया, एक ही चीज के 3 तरह के आंकड़े दिए गए। और जब मैंने जानकारी चाही कि किस किस व्यक्ति के घर पे आपने टेक होम का राशन उस कोरोना काल के अंदर दिया ताकि मैं जाके फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकूं, तो उन्होंने जिस तरीके के नाम दिए, तो मैं उसमें इनाम में जो अगर इस लिस्ट को पढ़ देगा, जो अगर बनाने वाला भी पढ़ देगा, क्योंकि ये जो जिस विभाग से आया है अगर ये भी पढ़ दे, तो उसे 100 क्विंटल लसन इनाम में देने का काम कर दूं। अगर कोई मेरा आग्रह भी है सदन के अंदर, मैंने माननीय अध्यक्ष जी से भी आग्रह करा है कि अगर ऐसे सवाल के जवाब दे तो उसके साथ टेलीस्कोप भी दिया करें, ताकि टेलीस्कोप से हम कोशिश कर सके कि उनको पढ़ ले। और चुनौती है मेरी मुख्यमंत्री जी को, जिस सदन के अंदर उन्होंने इतने बड़े घोटाले के ऊपर चर्चा नहीं होने दी, मैं इस लिस्ट के माध्यम से आपसे आग्रह करता हूं कि काला पीपल और साजापुर जिले की लिस्ट निकाल लो और आपके सारे अधिकारी और सारे मंत्रियों को मेरे साथ करो। मैं एक एक घर जाके पूछूंगा कि एक एक घर में 50 दिन तक राशन किस किस के घर पहुंचा। अगर राशन पहुंचा होगा
तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, और अगर नहीं पहुंचा होगा तो नैतिकता के आधार पर इस सरकार को, क्योंकि नैतिकता तो इनमें बची नहीं है, और फिर भी अगर थोड़ी बहुत बची हो तो पूरी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। और जो ये 40,000 करोड़ का घोटाला है, ये आम जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, जिसे लूट सके तो लूट योजना करी। हम सदन में चाहते हैं, हमने स्थगन लगाए, स्थगन पे चर्चा नहीं करना चाहते, सदन में जवाब मांगते हैं तो जवाब देना नहीं चाहते, सड़क पे आंदोलन करते हैं तो पुलिस के माध्यम से केस लगाने का काम करते हैं। पर लोकतंत्र के सजग प्रहरी के रूप में हम कोशिश करेंगे और उम्मीद करेंगे कि मीडिया इस बात को दिखाए, क्योंकि ये जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, इसमें लूट सके तो लूट योजना लगभग 40,000 करोड़ का। बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस तरह से आज आदिवासी हमारे परेशान हैं, मेरा भाई हमारे वरिष्ठ विधायक की आंसू निकल रहा है, ये सिर्फ हमारा विधायक का आंसू नहीं है, ये हमारे प्रदेश के 2 करोड़ आदिवासियों का आंसू निकल रहा है, ये शिवराज सिंह के अन्याय और अत्याचार के कारण। हमारा आंसू उस दिन निकल गया जब नेमावर में हमारी बेटियों को बलात्कार करके 12 फीट गड्ढे में गड़ा दिया गया। हमारा दिल उस दिन दहल गया जब हमारे सिवनी में घर से निकाल करके हमारे आदिवासी भाइयों को पीट पीट पर करके भाजपा के लोगों ने मार डाला। हमारा आंसू उस दिन निकल गया जब नेमावर में हमारे बहन को गड़ाया गया, और हमारा आंसू उस दिन निकल गया जब नीमच में गाड़ी के पीछे बांध करके घसीट करके हमारे आदिवासी भाई को मार डाला गया। और शर्म तो ये सरकार को करना चाहिए कि एक तरफ हमारे आदिवासी भाई प्रताड़ित हैं, हमारे आदिवासी दिवस के दिन जब हमारी सरकार थी तो हमने छुट्टी दिया था, उस छुट्टी को शिवराज ने आते ही बंद किया, और जब छुट्टी की मांग को लेकर के 9 अगस्त 2021 को हम लोग मांग किए थे, पर शिवराज जी इतना गुस्सा में आए कि 9 अगस्त 2022 को खट्यापुरा की लटेरी में गोली चालान करा दिया। वन विभाग में सरकार की बंदूक से 9 अगस्त के दिन ही गोली क्यों चला, शिवराज जी जवाब दो। और वहीं का विधायक, सिरोंज का विधायक, जिसके क्षेत्र में 9 अगस्त के दिन गोली चला, वही विधायक सदन के अंदर हमारे पांचीलाल भाई को रोकने के लिए अपने सीट से 10 कदम चल करके आगे आए और रोकने का काम किया। और देखिए भाजपा के लोगों का गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं, सुरक्षा के लिए भाजपा के लोग मांग कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जो सिरोंज के विधायक हैं, 9 अगस्त के दिन आदिवासियों पे गोली चला, आपने क्या आदिवासियों के लिए कोई मांग किया? कोई मांग आपने नहीं किया। मुझे जानकारी मिली जब मैं लटेरी गया था तो हम वहाँ के विधायक आकर के मुख्यमंत्री के साथ बढ़िया फल फ्रूट खा रहे थे, कोई आदिवासियों की मांग नहीं किए। मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर भाजपा को आदिवासियों से इतना डर क्यों है, आदिवासियों के प्रति गुस्सा क्यों है, आदिवासियों को इस तरह से जो परेशान किया जा रहा है। शिवराज सिंह जी हमारे बैकलॉग के पद को नहीं भर रहे हैं, शिवराज सिंह जी हमारे बच्चों के पोषण आहार पर भ्रष्टाचार कर लिए, मध्य प्रदेश की सरकार हमारे आदिवासी क्षेत्रों में ना पीने की व्यवस्था है पानी के लिए, ना हमारे खाने की व्यवस्था, ना रहने की मकानों की कोई चिंता है, ऐसी क्षेत्रों में ना पीने की व्यवस्था है पानी के लिए, ना हमारे खाने की व्यवस्था, ना रहने की मकानों की कोई चिंता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका प्रमाण है कि इस देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदया 2 बार से पहले विधायक थी, मंत्री थी, 6 वर्ष तक गवर्नर थी, और आप लोगों ने आज तक के माध्यम से न्यूज में हम लोगों ने देखा कि उनके गाँव में पीने की पानी और बिजली नहीं है। ये प्रमाण है कि इन्होंने ऐसे हमारे महामहिम के गांव में हालात बना के रखा है, पानी की व्यवस्था नहीं, बिजली की व्यवस्था नहीं, ऐसे जो दुर्दशा आदिवासियों के लिए ये भाजपा सरकार बना के रखा है। हम शिवराज सिंह से पूछना चाहते हैं, माननीय शिवराज सिंह जी, आप जिस विधानसभा से विधायक हैं वहाँ के आदिवासियों के साथ भी आप अन्याय कर रहे हैं, वहाँ के आदिवासी परेशान हैं, ये आदिवासी विरोधी मानसिकता आज पूरे प्रदेश की जनता, प्रदेश सरकार की ये कारनामे को देख रहे हैं। और आज हमारा भाई का जो आंसू है, ये आंसू हमारा अखारत नहीं जाएगा। मेरे भाई आप संघर्ष करो, हम सब मिल करके, हम तो कहना चाहते हैं हमारे सभी आदिवासी संघर्ष करेंगे, और आज
हमारे भाई को आंसू रुलाया है। 2013 में शिवराज सिंह जी आपको भी हम आंसू रुलवाएंगे, ये हम 2023 में हम आपको भी आंसू रुलवाएंगे। और जो सुरक्षा हमारे आदिवासी भाई से हमारा कहना चाहते हैं कि आप हमारे आदिवासी भाई को सुरक्षा आप मुहैया कराएं। वैसे आपने न नेमावर में हमारी बेटियों को सुरक्षा दिया, न सिवनी में हमारे बुजुर्गों को सुरक्षा दिया, न आपने लटेरी में हमारे आदिवासियों को सुरक्षा दिया। आप सुरक्षा नहीं दे सकते तो आप तत्काल में प्रदेश हित में आप इस्तीफा दें, ये हमारी मांग है। ये डायरेक्ट क्या है? हाँ दखल शिवराज जी, जिस तरीके से 2018 के चुनाव में आदिवासियों ने शिवराज सिंह जी को हराने का काम किया, लगातार आदिवासियों से बदला लेने पर उतारू है। आप देखो कि मेरा प्रदेश, हमारा प्रदेश, अपना सबका प्रदेश जो आदिवासियों का प्रदेश है। NCERB के आंकड़े ये कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी का रिकॉर्ड ये कहता है कि सबसे ज़्यादा आदिवासी बेटियों का अपहरण मध्य प्रदेश में होता है। आदिवासी बेटियों का बलात्कार सबसे ज़्यादा देश में मध्य प्रदेश में होता है। आदिवासियों पर अत्याचार और अपराध देश में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होते हैं। क्या कारण है कि मेरे ही प्रदेश में नेमावर में 9-9, 8-8 आदिवासियों को पहले बेटियों के साथ बलात्कार हुआ और अंडा और 9 हाथ अंदर जमीन के गाड़ दिया? क्या लटेरी में ये उमाकांत शर्मा जी की विधानसभा में आदिवासियों पर गोलियां चलाई जाती है? क्या कारण है कि आदिवासी बच्चों के छात्रावास की दुर्गति है? क्या कारण है बेकलाख के पद आदिवासी ST SC के भाइयों के नहीं भरे जाते? क्या कारण है कि आदिवासी छात्रों की छात्रवृत्ति ये सरकार नहीं देती है? और क्या कारण है कि एक आदिवासी विधायक ने अपने कारम डैम के भ्रष्टाचार को उठाने के लिए मोर्चा लिया तो उसका हाथ मरोड़ा गया? जब सदन में अपनी बात कहने के लिए कि मुझे मारा भार, मेरे पे हमला हुआ, पुलिस ने आने से रोका और मेरे कारम डैम की जो वस्तु स्थिति में आपके सामने लाना चाहता था उसको रोका, तो सदन के अंदर उमाकांत जी ने इन पे हमला किया, उसके वीडियो फुटेज है। और ये आदिवासी है इसलिए इसमें इस तरह का अत्याचार और अनाचार होगा? ये उमाकांत शर्मा जी को मैं चुनौती देता हूँ कि एक आदिवासी विधायक पर इस तरीके से अन्याय और अत्याचार करे, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे मध्य प्रदेश के आदिवासी। शिवराज जी, आपके ये विधायक इस तरीके से अगर आदिवासी विधायकों पर अत्याचार और अनाचार करेंगे, देख रहा है प्रदेश का आदिवासी, ये पढ़ा लिखा है, आज का नौजवान है, आपके विधायकों ने इस पे हमला किया और उल्टा कॉल चोर कोटवाल को डांटे, आपकी सरकार ने नोटिस इनको दिया, फुटेज है विधानसभा के अंदर। अगर विधानसभा के अंदर फुटेज में इन पे हमला हुआ नहीं हुआ, फुटेज है गेट पे जब पुलिस ने इनको मारा, आप इसके बाद आदिवासियों से इतना बदला क्यों लेना चाहते हो? ये सवाल आज मैं मध्य प्रदेश के आदिवासियों से भी करना चाहता हूँ, भाइयों से भी। भाइयों, ये सरकार आपसे बदला लेना चाहती है। आपने वोट नहीं दिया और शिवराज जी को हराया 2018 में, उसका आपसे बदला लेना चाहती है। ये उकार मरकाम मंत्री थे, आदिवासियों के विभाग के मुखिया। मैं मध्य प्रदेश के आदिवासियों से भी करना चाहता हूँ, भाइयों से भी। भाइयों, ये सरकार आपसे बदला लेना चाहती है। आपने वोट नहीं दिया और शिवराज जी को हराया 2018 में, उसका आपसे बदला लेना चाहती है। ये उकार मरकाम मंत्री थे, आदिवासियों के विभाग के मुखिया थे, इनके टाइम पे आदिवासियों की छुट्टी 9 अगस्त की गई, वो निरस्त की गई। उसके अलावा जो आदिवासियों के लिए योजना बनाई गई उसके फंड रोके गए। जो जो आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस था उस पर जिस तरीके का इस सरकार ने कृत किया, निर्णय लिए, वो अपमान है आदिवासियों का। मैं अनुरोध करता हूँ, अब हमारे उकार मरकाम जी ब्रीफ करेंगे, उससे पहले हमारे जिनके साथ हमला हो, और मैं मांग करता हूँ मुख्यमंत्री जी से, हमारे विधायक की जान का खतरा है, पांचीलाल मीणा को जान का खतरा है, इनको सुरक्षा मुहैया कराए। आपके विधायक इन पर हमला करना चाहते हैं, ये इस देश के लोकतांत्रिक इतिहास में कभी नहीं हुआ जो सदन के अंदर इन पे हमला हुआ। मैं आदरणीय पांची मीणा जी से अनुरोध करता हूँ अपनी बात कहें। हाँ तो है ना, बात करेंगे वो।